हेलो दोस्त, आज लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए रसायन शास्त्र क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डाल चुके हैं। आज लेकर आए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मैटर एंड नॉन मैटर। हम एक सप्ताह से वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था, इसलिए थोड़ा दौड़ने जाते थे, थकावट हो जाता था, वीडियो डालने का मन नहीं करता था। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। और एक चैप्टर और हम इसमें अपलोड किए हैं, वो है कार्बन तथा उसके यौगिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं। वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखें, फ़ायदा पहुँचाएगा। और हम जो है 2019 का और 2020 का जो मॉडल सेट था उसका जो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर, वो भी अपलोड कर दें तो वो जरूर देखें आप लोग के लिए, वो रामबाण साबित होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो कैसे मिलेगा आप लोग को? जो वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरे फोटो दिखाई दे रहा है, उस फोटो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा तो सभी वीडियो, जितना भी वीडियो है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना, जितना अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं धातु एवं अधातु चैप्टर नंबर 3। इसमें धातु एवं अधातु को पढ़ने से पहले हम जानते हैं तत्व। तो तत्व जो होता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जो तत्व की संख्या है वो कितना है? 118 है। तत्व के कौन कौन है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, ऐसे क्या है तत्व है? तो तत्व की संख्या 118 है। कितना है? 118 है। और तत्व को हम बांटे हैं 3 भाग में, एक धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो धातु संख्या अगर बोलें तो धातु का संख्या लगभग 90 के आसपास है, ठीक है ना। अधातु संख्या कितना है? तो 22 है। कितना है? 22 है। और उपधातु संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो उपधातु संख्या 7 है, अधातु संख्या 22 है, और धातु संख्या कितना है? 90 है। 90 में सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में, कैसा अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। लेकिन एकमात्र धातु कौन है? पारा। कौन है बोलो फिर से? पारा है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है पारा। अब बाकी बात, सभी धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु कितना है? तो 22 है। और ये 22 अधातु को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। अधिकांश अधातु जो है वो है गैस। क्या है? गैस है। और गैस में 11 है। कितना अधातु है गैस अवस्था में? तो 11 है। 10 अधातु जो है वो है ठोस अवस्था में, 10 अधातु जो है वो है ठोस अवस्था में, और 1 अधातु है जो है द्रव अवस्था में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में, वो कौन सा है? तो वो है ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। तो यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो एकमात्र है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो धातु बोलेगा तो कौन है? पारा। एकमात्र धातु और एकमात्र अधातु। और धातु संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। अच्छा, बात आता है कि धातु और धातु उपधातु पहचानेंगे कैसे। इससे पहले थोड़ा आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लें। तो आप लोग ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देख रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि ये चिन्ह जो है इसके इधर अधिकांश सब क्या है? सभी है धातु, सिर्फ ये हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन और धातु है, बाकी बात ये सभी क्या है? धातु। क्या है? धातु है। और इधर जो है ये सब क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और ये सभी क्या है? तो ये सभी है उपधातु। क्या है? उपधातु है, ठीक है ना। तो देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब क्या है? ये सब है गैस। और गैस क्या होता है? अधातु। उसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सभी गैस है। तो ये सब क्या है? अधातु है। तो ये सभी अधातु। कैसे याद करना है तो ये हम बताएंगे जब पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है ना। तो उसमें बताएंगे, इसको बोलेंगे हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो और देश का खून पीता रहो। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। इसको बोलेंगे फलनमा के बरी अत आफत, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इसी प्रकार हम याद करवा देंगे। तो याद रखना, जो गैस होता है वो अधातु होता है, ये सभी गैस है। उपधातु कौन कौन है? तो उपधातु है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ये सब क्या है? ये सभी है उपधातु। क्या है? उपधातु। और समझते धातु, उपधातु और अधातु किसे कहते हैं।
अब देखते हैं धातु को कैसे पहचानना है और धातु को कैसे पहचानना है और उपधातु को कैसे पहचानना है। तो धातु पहले कैसे कहेंगे, तो जिसमें धात्विक गुण पाया जाएगा उसे बोलेंगे धातु, जिसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा उसे बोलेंगे उपधातु, और जिसमें दोनों तरह का गुण पाया जाएगा उसे बोलेंगे उपधातु। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक होता है पुरुष और एक होता है महिला, और कभी कभी पुरुष और महिला जिसमें पुरुष और महिला दोनों का गुण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, छक्का। क्या बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेंडर। उसी प्रकार मान लो ये पुरुष है, ये महिला है, और ये ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है, यानी पुरुष महिला दोनों का इसमें गुण है, तो ये क्या हो गया, उपधातु। क्या हो गया है, उपधातु। अब पहचानेंगे कैसे धातु कौन है और धातु कौन है और उपधातु कौन है। तो धातु पहचानने का सिंपल सा नियम क्या है कि जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो होगा धातु, और अंतिम कक्षा में जब चार इलेक्ट्रॉन या पाँच इलेक्ट्रॉन या छः इलेक्ट्रॉन या सात इलेक्ट्रॉन या आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो होगा अधातु, और कभी कभी चार इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो उपधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। तो याद रखना धातु कैसे पहचानेंगे, तो अगर अंतिम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो तो वो धातु है, अगर अंतिम कक्षा में चार पाँच छः सात यानी तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन तो वो धातु है, और चार वाला उपधातु भी हो सकता है। चलो देखते हैं, तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का छोटा सा हम बता देते हैं। ऐसे तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइन्थ में सीखेंगे कैसा लिखा जाता है, अगर नहीं पता आप लोग को तो हम बहुत अच्छी तरह से लगभग 10 से 15 मिनट में सिखा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद रखना पहला कक्षा में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दूसरा कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तीसरा में 18 पाया जाता है। 18 कब आएगा, जब ये दूसरा भर जाएगा तब 18 आएगा, ठीक है ना। चौथा में 32 पाया जाता है जिसको बोलते हैं के एल एम एन, ठीक है ना। तो जैसे देखते हैं हम लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं सोडियम। सोडियम का अगर परमाणु संख्या अगर आप लोग को याद है तो बोलो कितना है, 11। ये पूछा भी गया है कि बताओ सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, क्लास 10 से पूछा गया है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में दो, तो चलो दो दिए हैं, दूसरा कक्षा में आठ, चलो आठ दिए हैं, तीसरा में चाहिए 18, लेकिन 18 पूरा रहा है कि दो आठ दस और एक बच रहा है तो एक पड़ेगा तीसरा कक्षा में। तो देखो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आया, एक आया तो क्या होगा, तो एक आया तो क्या होगा, धातु। क्या होगा, धातु। उसी प्रकार बता दो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, कितना है 17। इसको तोड़ो तो पहला कक्षा में दो, दूसरा कक्षा में आठ, तीसरा कक्षा में 18, लेकिन 18 तभी पहुंचेंगे जब 18 पूरे गए तब, नहीं तो 8 और 2 10 बस या कितना 7, तो तीसरा में आएगा 7, कितना आएगा 7। तो बताओ 7 किस में आ रहा है, तो 7 इसमें आ रहा है, तो 4 3 से अधिक आता है यानी 4 5 6 7 या 8 आया तो क्या होगा, उधातु। तो इसमें आया 7 तो क्लोरीन क्या हो गया, उधातु। सिंपल तरीका से पहचान सकते हो। उसी प्रकार अगर हम दे दें एल्युमिनियम, तो बता दो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग को पता नहीं तो बोलो मेरे साथ जरूर, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। ये सब क्लास 9th का है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसको तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में कितना 2, दूसरा कक्षा में कितना 8, तीसरा कक्षा में 18, लेकिन 18 पूर रहा है कि 8 2 10 बच रहा है 3, तो यहाँ डालेंगे 3। बता दो 3, 3 किस में आ रहा है, तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या है, धातु। क्या है, धातु है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर ले लें सिलिकन का, क्या ले लें सिलिकन का, सिलिकन का होता है 14, क्या होता है 14, इसको तोड़ेंगे तो 2, फिर क्या होगा 8, 8 2 10 हो गया, बचा कितना, तीसरा होना चाहिए 18, लेकिन बचा है 4, तो 4 डालेंगे तो 4 आता है तो क्या होता है, उपधातु। क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, तो सिलिकन मेरा क्या हो गया, सिलिकन मेरा हो गया उपधातु, लेकिन 4 में जो है धातु भी, अधातु भी हो सकता है। कैसे, तो देखो जैसे कार्बन लिए हैं, कार्बन का होता है 6, कितना होता है, परमाणु संख्या कार्बन का होता है 6, कितना होता है 6, इसको डालेंगे तो पहला कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा है 4, 2 और 4 6 होगा, कितना बचा है 4, तो दूसरा हम 8 चाहिए, लेकिन 8 तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 4 है, तो 4 डाल दिए हैं, तो 4 आया, तो यहाँ 4 अब उपधातु नहीं आएगा, 4 वाला उधातु भी हो सकता है, इसलिए कार्बन मेरा क्या है, कार्बन मेरा उधातु है। उधातु क्यों है, क्योंकि बताए थे जितना भी गैस होता है, जितना भी गैस होता है सब क्या होता है, उधातु। तो कार्बन भी क्या है, उधातु। ऑक्सीजन भी क्या है, उधातु। ऑक्सीजन गैस है, कार्बन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सभी क्या है, ये सभी गैस है। तो गैस क्या होता है, गैस होता है अधातु। हाँ, अगर गैस नहीं होता और अंतिम कक्षा में 4 आ जाता, जैसे ये सिलिकन गैस नहीं है, क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस, और अंतिम कक्षा में 4 आ गया तो क्या होगा, उपधातु। क्या होगा, उपधातु। लेकिन गैस के अंतिम कक्षा में 4 आए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधातु, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया धातु।
तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन अर्थात ये हो गया अधातु, वो धातु हो गया है तीन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बताओ, धातु हो जाएगा। चार है लेकिन ठोस है इसलिए हो जाएगा ये उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। यहाँ चार है लेकिन कार्बन गैस है इसलिए हो जाएगा क्या, ये अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। तो आप लोग धातु अधातु उपधातु आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा जुगाड़ क्या है, तो जुगाड़ कैसे पहचान सकते हैं, जिसके बारे में पता बोलेगा लोहा क्या है, तो लोहा तो आप लोग जान रहे धातु है क्योंकि ठोस अवस्था में है, तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, ये सभी तांबा हो गया, ये सब क्या है, जिंक हो गया, ये सभी क्या है, ये सब धातु है। लेकिन कितना पता नहीं चलता है धातु है को धातु, तो सिंपल सा जुगाड़ बताते हैं। सिंपल सा जुगाड़ क्या कि जिसके अंत में आएगा यम, क्या आएगा यम, वो होता है धातु। क्या होता है? धातु। सिंपल सा जुगाड़ ऐसे बोलेंगे सोडियम, सोडियम यम आया तो धातु, मैग्नीशियम मैग्नीशियम यम आया तो धातु, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम यम आया तो क्या होगा, होगा धातु। तो ये जुगाड़ है। ऐसे बोलेंगे पोलोनियम, तो पोलोनियम, अब इसके बारे में आपको उन्हें पता है तो यम आया तो क्या बोल देंगे, ओ धातु। क्या बोलेंगे? ओ धातु। इसे बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, लास्ट में यम आ गया, पता नहीं क्या है, तो क्या है, धातु है। क्या है? धातु। तो ये सिंपल सा जुगाड़ है जो धातु है। अब गैस आएगा तो गैस तो क्या होता है मेरा, गैस होता है ओ धातु, ये तो पता ही है। अब धातु बता दिए, धातु कौन कौन होता है तो बता दिए थे, बोरोन होता है मेरा, सिलिकन होता है मेरा, जर्मेनियम होता है मेरा, आर्सेनिक होता है मेरा, अस्टेबेनियम होता है मेरा, टेलेनियम होता है मेरा, ये सब क्या होता है, तो ये सब मेरा उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो याद रखना ये सब क्या है, उपधातु। उपधातु मात्र सात है, कितना है? सात। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना सारा अच्छा समझ गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं धातु एवं अधातु के में क्या क्या अंतर है वो समझते हैं। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो जो सब्सक्राइब अभी तक चैनल मेरा नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिसको जो देख रहे हैं ये वीडियो, जो सब्सक्राइब कर लिए वो कृपया करके इसको शेयर जरूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के बीच बताएं इस चैनल के बारे में। चलो देखते हैं आप धातु एवं अधातु के बीच अंतर। अंतर में पहले देखेंगे भौतिक अंतर, ठीक है ना। अच्छा, भौतिक अंतर से क्या समझते हैं? भौतिक अंतर का मतलब होता है वैसा अंतर जिसे हम देख के बता सकते हैं कि इसमें ये गुण पाया गया है, तो ये हो जाएगा भौतिक अंतर। और वैसा अंतर जिसको हम देख के नहीं बता सकते, बिना प्रैक्टिकल किए नहीं बता सकते, वो होगा रासायनिक अंतर। जैसे किसी व्यक्ति को देखें, हाँ वो काला है, तो वो क्या है? भौतिक अंतर। क्योंकि देखें बता दिए वो काला है कि गोरा है, बता दिए तो वो क्या है? भौतिक अंतर। वो लंबा है कि नाटा है, ये बता दिए तो ये क्या है? भौतिक अंतर। भौतिक अंतर है। वो मोटा है कि पतला है, ये देख कर बता दिए तो क्या है? भौतिक अंतर है। तो भौतिक अंतर को हम देख कर बता सकते हैं, लेकिन रासायनिक अंतर को प्रैक्टिकल किए बिना नहीं बता सकते। जैसे किसी का स्वभाव कैसा है, ये उसके साथ जब तक हम बात नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ दिन रहेंगे ना, उसके स्वभाव को हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। वो गुस्सा वाला है कि शांत स्वभाव के, ये सभी क्या है? ये सब रासायनिक अंतर में आएगा, क्योंकि उसके साथ रहने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो भौतिक अंतर जो देखने के बाद पता चल जाए, जो ऊपरी गुण है वो पता चल जाए, उसे कहते हैं भौतिक अंतर। जो अंदर का गुण है, जो आंतरिक गुण है, उसे कहते हैं रासायनिक अंतर। तो पहले हम देखेंगे भौतिक अंतर। तो धातु और अधातु के बीच भौतिक अंतर क्या है, तो पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, धातु में जो होता है, धातु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अर्थात पहला कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आठ, तीसरा में अठारह, चौथा में बत्तीस जब लिखते हैं, तो धातु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएगा या तीन इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन वहीं अधातु में हम देखे थे क्या, अधातु के अंतिम कक्षा में तीन से अधिक अर्थात चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, सात भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है, लेकिन आठ से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रहा धातु एवं अधातु के बीच भौतिक अंतर में पहला अंतर क्या, कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते समय उसके अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके अंतिम कक्षा में चार, पाँच, छः, सात या आठ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये अभी हम फर्स्ट पेज में बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। चलो अगला गुण देखते हैं अंतर क्या। तो पहला का अंतर क्या हुआ, तो पहला धातु में अधातु में अंतर क्या हुआ, तो बोलेंगे धातु के अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि अधातु के अंतिम कक्षा में तीन से अधिक अर्थात चार, पाँच, छः, सात या आठ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये रहा पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं, ये रहा दूसरा अंतर क्या, विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक, ये दूसरा भौतिक अंतर है। तो धातु जो होता है वो होता है विद्युत धनात्मक, यानी धातु जो होता है वो अमीर होता है, इसके पास धन बहुत होता है, इसलिए ये क्या है, धनात्मक। और अधातु जो है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक।
अर्थात यह ऋणी व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है। अब सिंपल सी बात बता दूँ, जो धातु जो है ये तो धनवान व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यानी धन को दान देगा, धन को क्या करेगा, इसके पास ज़्यादा धन है, धन यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को दान देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान देगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन है इसलिए धनात्मक हो गया है। ये बेचारा अधातु जो है ये विद्युत ऋणात्मक है, ऋणी व्यक्ति है, यानी ये गरीब है, यानी ये दान नहीं देगा। ये क्या करेगा, जो दान दे रहा है, ये धातु जो दान दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, उस पैसा को यह क्या करेगा, उस धन को यह क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। अर्थात धातु जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और वो धातु तो गरीब है, तो ये ऋणी व्यक्ति है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जो धातु त्याग दिया है, दान दे दिया है धन को, इलेक्ट्रॉन को, वो धातु क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसलिए धातु क्या होता है, धातु विद्युत धनात्मक होता है, और अधातु जो है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दो, जो धन को दान करेगा उसके माथा पर आएगा प्लस, क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, पॉजिटिव आदमी होगा, और जो धन को लेगा यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उसके स्थान पर, उसके माथा पर आएगा माइनस चिन्ह, क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। जैसे सोडियम, और याद रखना धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान देता है, तो सोडियम यम आ गया लास्ट में, यानी ये क्या है, धातु है। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान देगा, तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन को दान देगा, इसका अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको दान देगा, जिसका अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन आता है, इसका तो परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2, 8, 1, अंतिम में 1 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये दान करेगा, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दान किया है, तो इसके माथा पर आ जाएगा एक ठो प्लस। उसी प्रकार क्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जो दान किया है ये ग्रहण कर लेगा। जैसे ग्रहण करेगा तो इसके स्थान पर आएगा, माथा पर आएगा माइनस, यानी एगो ग्रहण दान देगा तो एक ठो प्लस, एगो ग्रहण करेगा तो एक ठो माइनस। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम को लें, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या करता है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, दो धन को दान कर देता है, दो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। मैग्नीशियम यम आ गया यानी धातु है, धातु क्या करेगा, दान करेगा, तो मैग्नीशियम दो दो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसलिए मैग्नीशियम पर दो को प्लस आएगा, क्या आएगा, मैग्नीशियम पर दो को प्लस आएगा। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों प्लस को, जो ये दोनों धन को, जो दो इलेक्ट्रॉन को जो दान दिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या आएगा, माइनस, तो दो को ग्रहण किया तो दो को माइनस आएगा। यानी जितना धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना प्लस उसका माथा पर आएगा, और धातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस उसके माथा पर आएगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो एक ठो प्लस, यहाँ एक ठो ग्रहण किया तो एक ठो माइनस, यहाँ एक ठो दो ठो दान किया है तो दो ठो प्लस, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो दो ठो माइनस। तो दूसरा अंतर क्या रहा है, धातु और धातु के बीच, धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब ये दान दे रहा है तो इसको बोलेंगे धनायन, क्या बोलेंगे, ये धनात्मक है, और धातु विद्युत का धनात्मक है, तो ये हो गया धनायन। यानी धातु क्या होता है, धातु होता है धनायन, और ये अधातु विद्युत ऋणात्मक है, तो अधातु होगा ऋणायन, क्या होगा, ऋणायन। तो धातु धनायन होता है और धातु ऋणायन होता है, धातु विरुद्ध धनात्मक, धनात्मकता का गुण दिखाता है, और अधातु विरुद्ध ऋणात्मकता का गुण दिखाता है। ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, आग मतलब नहीं, आ मतलब, सॉरी, आघात मतलब होता है चोट, क्या होता है, चोट, ना बोलता है कि हम तुमको आघात पहुंचा देंगे, आघात पहुंचा देंगे यानी चोट पहुंचा देंगे, क्षति पहुंचा देंगे, नुकसान कर देंगे, तो वही होगा आघात। आघात मतलब था चोट, अब वर्धनीयता मतलब था सहन करने वाला, सहन करने वाला, तो जो चोट को सहन करे उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, जो चोट को सहन करे उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे हम लोग मान लो तो ले लेते हैं कोयला, क्या लिए हैं, कोयला, और इधर ले लिए हैं लोहा, क्या लिए हैं, लोहा लिए हैं। अब बताओ कोयला पर मारे हैं एक हथौड़ा कस के, और लोहा पर भी मारे हैं हथौड़ा, तो दो तीन हथौड़ा कोयला पर दिए हैं, दो तीन हथौड़ा लोहा को मारे हैं, बताओ कौन चोट को सहन करेगा। तो कोयला बेचारा इतना नाजुक होगा कि ये चोट को सहन नहीं कर पाएगा, जब चोट को सहन नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा, यानी चकना चूर हो जाएगा, यानी चूर चूर हो जाएगा। लेकिन लोहा कहेगा हम घात को यानी चोट को सहन करने वाले हैं,
तो लोहा क्या करेगा, ये टूटेगा नहीं बेचारा, या क्या होगा, ये फैलते जाएगा, मारते जाओ फैलते जाएगा, मारते जाओ फैलते जाएगा, लेकिन लोहा टूटने वाला नहीं है। तो लोहा क्या कर रहा है, लोहा जो है चोट को सहन कर रहा है। तो लोहा क्या है, आघात वर्धनीयता का गुण है, क्योंकि इसको लोहा पीटते जाओ लेकिन ये कहेगा टूटेंगे नहीं, यानी टूटेंगे नहीं, ये फैल जाएगा भले ही लेकिन ये बोलेगा टूटेंगे नहीं, लेकिन कोयला को पीटो पीटते जाओ ये टूटते जाएगा, पीटते जाओ टूटते जाएगा, यानी कोयला क्या है आघात वर्धनीयता नहीं है। तो लोहा बता दो क्या है, लोहा मेरा क्या है धातु, तो धातु में जो है, धातु में जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि कोयला उला ये सब क्या है, ये सब क्या है अधातु है, या गैस भी क्या है, गैस भी क्या है अधातु है, तो अधातु में जो है आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तो बोलेगा कि बताओ धातु और धातु में अगला अंतर क्या है, तो धातु जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अब बताओ, तो जब देखें कि धातु जो है टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, तो मनुष्य ने दिमाग क्या लगाया, आदमी क्या दिमाग लगाया, चलो नहीं टूट रहा है तुम, तो इसको पीटते 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 क्या बना दिया, चदरा बना दिया, और घर में यूज कर लेता है, चदरा बना के घर में उसका यूज करता है, जैसे आप लोग देखें करकेट के रूप में यूज करता है, टीना के रूप में यूज करता है, क्यों, क्योंकि धातु आघात वर्धनीयता होता है, ठीक है ना। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चोट को सहन करने वाला, धातु चोट का सहन करता है और धातु चोट का सहन नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला अंतर की ओर, थोड़ा ध्यान देना है। एक नंबर अंतर में जो बताया था कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जबकि अधातु में 4, 5, 6, 7 या 8 पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है वो लिख देते हैं। अपवाद में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो गैस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या है अधातु है, क्या है अधातु है। उसी प्रकार हीलियम क्या है, हीलियम, हीलियम भी क्या है, हीलियम भी गैस है, गैस का मतलब क्या हो गया, गैस जो होता है वो होता है अधातु। तो हाइड्रोजन अधातु है, हीलियम अधातु है, हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम का अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वाला तो धातु होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वाला तो धातु होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अपवाद है, ये दोनों अपवाद इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या है, गैस है, और इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के बावजूद ये गैस होने के कारण ये क्या है, अधातु है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला अंतर की ओर। अब अगला गुण देखते हैं तन्यता, क्या देखते हैं तन्यता, तो याद रखना धातु में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसका तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि कोई पदार्थ को लो अगर उसको खींचते हैं तो वो टूटे नहीं। जैसे ये मान लो ये एक पदार्थ है, इसको हम पकड़ के यहाँ पर और यहाँ पकड़ के इसको खींचते हैं तो ये टूटे नहीं बल्कि ये लंबा हो जाए, क्या हो जाए, लंबा हो जाए, पतला होकर क्या हो जाए, लंबा हो जाए, तो इसको बोलते हैं तन्यता का गुण, क्या बोलते हैं, तन्यता का गुण। जैसे ले लो धातु, लोहा को देखो, लोहा को जब खींचेगा उसको गर्म करके जब खींचेगा तो टूटेगा नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सोना को गर्म करके खींचेगा तो वो टूटेगा नहीं बल्कि वो पतला हो जाएगा। तांबा भी उसी प्रकार, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, तो धातु है, और धातु को खींचने पर वो पतला नहीं होता है बल्कि वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। जबकि अधातु हम लेंगे, जैसे मान लो ले लिए कोयला ले लिए हैं, सल्फर ले लिए हैं, फास्फोरस ले लिए हैं, ये सभी को जैसे ही खींचेंगे तो ये सभी क्या होगा, 20 से मान लो ये क्या है कोयला, इसको जैसे ही खींचेंगे गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ की मदद से खींचेंगे, किसी उपकरण की मदद से खींचेंगे तो क्या होगा, 20 से ये टूट जाएगा, टूट जाएगा, अर्थात वो धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो याद रखना अगला अंतर क्या है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये सभी काफ़ी ध्यान से समझो क्योंकि जब धातु अधातु में अंतर आएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हम धातु अधातु में अंतर जो है वो हम पहले ही डाल चुके हैं VVI क्वेश्चन के तौर पर, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तब मनुष्य जो है वो क्या दिमाग लगाया, देखा क्या, धातु को ससरा खींचने पर क्या होता है, ये टन जाता है यानी लंबा हो जाता है, तो चलो इसको हम तार बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तार। तो मनुष्य जो है धातु में तन्यता गुण पाया जाता है इसलिए धातु को जो है मनुष्य तार के रूप में यूज करने लगा। किसके रूप में यूज करने लगा, तार के रूप में, क्यों, क्योंकि धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला अंतर जो है वो है द्रवणांक एवं क्वथनांक। पहले समझते हैं, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे द्रवणांक एवं क्वथनांक किसे कहते हैं, तो पहले समझ लेते हैं द्रवणांक और क्वथनांक क्या है। द्रवणांक मतलब द्रव, द्रव यानी बहने वाला, तो जब पदार्थ द्रव में बदल जाए,
ठोस से द्रव्य में बदले, ठोस से द्रव्य में बदले, उसको बोलेंगे द्रवनांग। क्या बोलेंगे? द्रवनांग। और क्वथनांग का मतलब होता है, क्वथनांग का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना। तो उबलेगा तो क्या होगा? भाप में बदलेगा। किसमें बदलेगा? भाप में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो जब द्रव वाष्प में बदलने लगे, वाष्प में बदलने लगे तो यानी उसको उबलने लगे तो क्या बोलेंगे? क्वथनांग। जैसे समझते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, गर्म को हम त्रिभुज से दिखाते हैं, चलो गर्म लिख देते हैं, गर्म करें वो द्रव में बदल जाए तो उसको बोलेंगे क्या? द्रवनांग। क्या बोलेंगे? जिस बिंदु पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल गया उसको बोलेंगे द्रवनांग। और जब द्रव को गर्म करने पर जब वह उबलने लगे, क्या करने लगे? उबलने लगे यानी वाष्प में बदलने लगे। किसमें बदलने लगे? वाष्प में, यानी उबलने लगे, याद रखना, उबलने लगे। क्या करने लगे? तो उबलने लगे तो उसको बोलेंगे क्या? क्वथनांग। जिस बिंदु पर द्रव जो है उबलना प्रारंभ कर देता है उसे बोलते हैं क्वथनांग। जैसे हम लेते हैं बर्फ, क्या लेते हैं? बर्फ। तो बर्फ को गर्म करते क्या बदल जाता है? द्रव में। किसमें बदल जाता है? द्रव में। तो वो क्या हुआ? द्रवनांग। क्या हुआ? द्रवनांग। और जैसे ही द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या करते हैं? वो उबलने लगता है। क्या करता है? उबलने लगता है। अर्थात द्रव का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही समझते हैं द्रवनांग का। तो सिंपल सी बात है, जिस बिंदु पर ठोस द्रव में बदल जाए उसे द्रवनांग बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब बताओ, हम लेते हैं धातु, क्या लेते हैं? धातु लेते हैं और दूसरा लेते हैं अधातु। क्या लेते हैं? अधातु लेते हैं। तो बताओ किसका द्रवनांक और क्वथनांक अधिक होगा? तो धातु, जैसे लोहा ले लो, लोहा को आप गर्म करो तो जल्दी वो द्रव में बदलेगा क्या? जल्दी वो द्रव में नहीं बदलेगा। जब जल्दी द्रव में नहीं बदलेगा तो जल्दी वो क्या उबलना शुरू करेगा? वो क्या यानी पिघलेगा क्या? वो नहीं पिघलेगा। तो सिंपल सी बात है कि धातु यानी धातु लोहा क्या गया? धातु हो गया। तो धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। अधिक का मतलब क्या होता है? उच्च होगा। क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। उसी प्रकार अधातु ले, तो अधातु तो पहले से ही वो गैस में बदल गया है, पहले से वो क्या है? गैस में बदल गया है। यानी अधातु अधिकांश क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। तो वो पहले से ही गैस में बदल गया, यानी ठोस में भी वो नहीं है, द्रव में भी वो नहीं है, पहले से वाष्प यानी गैस में बदला हुआ है। यानी वो धातु का जो है द्रवनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। कम को हम नीचे चिन्ह दे दिए हैं, यानी वो धातु का द्रवनांक और क्वथनांक कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो बताओ अगला अंतर क्या हुआ? तो धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जबकि वो धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है ना? अगला अंतर है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक एवं कुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है? कि वैसा पदार्थ जिससे जो है ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाए उसे बोलेंगे ऊष्मा का सुचालक, और जब करेंट जो है एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाए उससे होकर तो उसको बोलेंगे विद्युत का सुचालक, और जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाए उससे होकर तो उसको बोलेंगे ऊष्मा का कुचालक, और जब करेंट यानी विद्युत उस पदार्थ से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा तो उसको बोलेंगे विद्युत का कुचालक। यानी जिसमें ऊष्मा जिस पदार्थ से होकर ऊष्मा जाएगा या करेंट जा सकता है उसे बोलेंगे सुचालक, और जिस पदार्थ से होकर ऊष्मा और करेंट यानी विद्युत नहीं जाएगा उसे बोलेंगे कुचालक। जैसे देखो, जैसे आप लोग देखते होंगे लोहा, क्या लेते होंगे? लोहा। और लोहा को यहाँ पर आग लगा दो, क्या लगा दो? आग लगा दो। आग यहाँ जैसे ही आग लगाते हैं और यहाँ पकड़ लो तुम लोहा को बिना किसी कपड़ा उपड़ा के मदद के या प्लास्टिक के मदद से यहाँ पकड़ लो हाथ में, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? धीरे धीरे तुम यहाँ गर्म कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा? यहाँ पर ऊष्मा पहुँच जाएगा और आपके हाथ में गर्म लगने लगेगा, हाथ के पास क्या होगा? गर्म लगने लगेगा। और आप क्या करेंगे? उस लोहे को, उस धातु को आप छोड़ देंगे। क्यों? हम तो यहाँ गर्म किए हैं लेकिन वो यहाँ क्यों पहुँच गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो लोहा था इसमें ऊष्मा का एक स्थान से दूसरा स्थान क्या हुआ? संचरण हुआ। अर्थात लोहा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? सुचालक। आप लोग घर में भुट्टा पकाते होंगे या डब्बू होगा या छोलनी होगा, उसको देखते होंगे कि एक स्थान पर गर्म करते होंगे तो धीरे धीरे उसमें उसका ऊष्मा जो है दूसरा स्थान पर ही पहुँच जाता होगा। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। उसी प्रकार जो धातु होता है, धातु जैसे आप तांबा का तार देखते हैं, लोहा का तार देखते हैं, सोना चांदी तार तो बहुत महंगा होता है, तो तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार, लोहा का तार, ये सब क्या होता है? इसमें करंट बहने लगता है यानी विद्युत बहने लगता है। क्यों बहने लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान? क्योंकि ये तांबा, सोना, चांदी, लोहा,
टीना, एल्युमिनियम, ये सब में करंट इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। और वैसा पदार्थ जिसमें जो है करंट नहीं बहे, उष्मा का संचरण ना हो, उसे क्या बोलेंगे, कुचालक। क्या बोलेंगे, कुचालक। ऐसे लकड़ी ले लो, क्या लकड़ी को आप लोग लकड़ी को लेकर लकड़ी को इस तरह देखेंगे कि यहाँ गर्म करने वाला क्या यहाँ पर आपके हाथ पास गर्म हो जाता है क्या, नहीं होता है, जहाँ गर्म करते हैं वहीं वो जलता है। तो लकड़ी क्या है, उष्मा का कुचालक है। उसी प्रकार लकड़ी से आप जब टोका बदलते हैं, तो लकड़ी से जब आप टोका बदलते हैं तो क्या, टोका बदलने बाद आप तार को छू रहे हैं ऊपरी बिंदु से, लेकिन आपके हाथ पर करंट मारता है, नहीं मारता, क्योंकि लकड़ी से करंट नहीं बढ़ सकता है। असली लकड़ी क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। तो हम देखें क्या, जितना भी धातु है, जैसे हो गया सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, तांबा, टीन, एल्युमिनियम, जितना भी धातु है वो क्या है, उष्मा एवं विद्युत का क्या है, सुचालक। क्या है, सुचालक है। और जितना भी अधातु है, वो क्या है, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब उससे उष्मा और विद्युत नहीं बह सकता है। तो अगला अंतर क्या हुआ, धातु जो है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यहीं एक अपवाद में याद रखना, जो काफ़ी बार बहुत बार पूछा गया है वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसे कहते हैं, ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट जो आप लोग पेंसिल जो होता है, जिसको आप इलेजर से छील कर लिखते हैं, तो जो नोक होता है पेंसिल का जो नोक होता है वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है। क्या है, अधातु। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, जिसमें अगर करंट देगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट पहुँच जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या हुआ, ग्रेफाइट हुआ उष्मा एवं विद्युत का सुचालक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक होता है। तो वो क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं पिक्चर, देखो आप लोग यहाँ पर पेंसिल ले लिया, पेंसिल का यहाँ नोक है और यहाँ पर नोक है, तो नोक जो है वो क्या है, वो है ग्रेफाइट, जिससे हम लिखते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट है। अब हम क्या किए हैं, बैटरी के एक सिरा को डायरेक्ट हम बल्ब से जोड़ दिए हैं और दूसरा सिरा को पेंसिल के अगला नोक से जोड़ दिए हैं और दूसरी तार को पेंसिल से इस नोक से जोड़ दिए हैं। अब इसमें क्या क्या करंट देंगे, तो सिंपल सी बात है, करंट यहाँ से यहाँ तक तब पहुँचेगा जब ये जो ग्रेफाइट के नोक है, वो उसमें करंट बहेगा। तो हम देखे थे जैसे स्विच ऑन किए तो देखे थे क्या बल्ब जलने लगा है। बल्ब क्यों जलने लगा है, क्योंकि ये जो पेंसिल है इसका जो नोक है इसमें ज़रूर करंट बहा होगा। जब करंट बहा होगा तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ होगा, ये सुचालक होगा। क्या होगा, सुचालक। तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात, अगला अंतर क्या हुआ, धातु जो है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु जो है उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में याद रखना, अपवाद में क्या याद रखना कि ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत यानी